जय सत्यम से ध्यान में स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और हनुमान जयंती का पर्व आपने बहुत अच्छे से मनाया है और मना रहे हैं। तो आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है हनुमान जयंती को लेकर। जो ये वर्ड है हनुमान जयंती, तो इस वर्ड के पीछे काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें होती रहती हैं कि जयंती नहीं लगाना चाहिए। वो लोग ये समझ बैठते हैं कि जयंती का मतलब है कि वो शख्स जिसकी हम जयंती मना रहे हैं वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसकी जयंती जो वर्ड है ये वो डिनोट करता है, यानी कि वो इस दुनिया में नहीं है, तो यानी कि उसका अंत हो चुका है। लेकिन ये बात मुझे कुछ ठीक नहीं लगी, यानी कि इस पर मैंने थोड़ा चिंतन किया। कल रात मैंने चिंतन इसलिए किया क्योंकि व्हाट्सएप पे कई दिन पहले से मैसेजेस आने लगते हैं कि हनुमान जयंती का पर्व है और हनुमान जन्मोत्सव कह के मनाना चाहिए, जयंती कह के नहीं मनाना चाहिए। तो मुझे लगा फिर जयंती अगर वाकई में कुछ ऐसा है तो फिर सरकार को बैन कर देना चाहिए था। यदि ऐसी कोई बात थी तो जयंती तो कई सालों से मनती आ रही है, तो फिर किसी का इस पे वर्ड पे इतना ध्यान क्यों नहीं गया, जबकि ये सनातन धर्म के अंतर्गत विषय है, आता है, और तो ये हो जाना चाहिए था तक ऐसा, लेकिन हुआ क्यों नहीं। तो फिर आज मैंने गुरु जी से, यानी कि जो मेरे गुरु जी हैं सतगुरु स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी, उनसे इस विषय पर थोड़ी चर्चा की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये जयंती शब्द है तो ये किससे मिलके बना है इसका, यानी कि संधि विच्छेद जो होगा वो कैसे होगा। तो मेरे दिमाग में आया कि कहीं जय यानी कि जय ये और अंति अंति आ रहा है लास्ट में, तो यानी कि अंत हो गया, तो यानी कि जय अंत, जिसका अंत हो गया है उसकी जय, तो मुझे ऐसा लगा। लेकिन फिर गुरुजी ने बताया कि ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है हिंदी की और आपको शायद ये ठीक से दूर से दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन आप एक आइडिया लगा लेंगे। मैंने यहाँ थोड़ा सा एक कैलकुलेशन की है इस वर्ड को लेकर, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि हनुमान जो है, हनुमान कौन है? पहली बात तो हनुमान वो है इमॉर्टल, यानी कि जो अमर, जो कभी मर नहीं सकते, वो भगवान रहे हैं। और हकीकत में अमर तो आप भी हैं, यानी कि जो आपकी सोल है वो कभी मर नहीं सकती, एक आत्मा कभी मर नहीं सकती। जो शरीर है, जो स्थूल रूप है हमारा, ये नश्वर है और ये इसका नाश होना है, लेकिन जो सोल है वो कभी मरती नहीं है, वो अमर है। इसीलिए जो हनुमान जी है वो भगवान है, महाबली देवता है। जयंती की बात करें तो जय, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं हिंदी में तो दो शब्दों से मिलकर बनता है जय। अंति यानी कि अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं है, आया समझ में? जय अंति यानी कि अंतहीन, यानी कि उस शख्स की, उस आत्मा की, उस दिव्य आत्मा की, उस परमात्मा की जय हो जिसका कोई अंत ही नहीं है। और अंत किसका नहीं है? जो इनफाइनाइट है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इनफाइनाइट, यानी कि जिसका कोई छोर ही ना हो, कोई अंत ही ना हो, आदि से है और वो उसका कोई अंत नहीं है, है ना? और उसी को हम कह देते हैं इमोर्टल। इमोर्टल यानी कि अमर, यानी कि वो शख्स या वो आत्मा जो अमर है, जो कि सभी है। लेकिन हकीकत में बात आती है फिर कि जयंती ही क्यों लगाते हैं, ये जो जयंती है शब्द, इसको ही हम क्यों उपयोग में लेते हैं, जन्मोत्सव क्यों नहीं? तो गुरुजी ने इस पर भी थोड़ा एक्सप्लेन किया मेरे को और बताया कि जो जन्मोत्सव होता है वो उस शख्स का मनाया जाता है जो प्रेजेंटली यानी कि हाल ही में इस वक्त इस धरती पर मौजूद है, यानी कि स्थूल रूप में पंच तत्वों के शरीर को लिए हुए अपने कार्य को, अपने कर्मों को करता हुआ, चाहे वो समाज कल्याण के लिए हो, चाहे वो किसी भी तरह के कर्म हो, सभी के प्रति उसके जो दायित्व है उनको निभाता हुआ चल रहा है और प्रेजेंट में है वो आज, यानी कि हमारे सामने मौजूद है अपने वर्तमान अस्तित्व में, तो उसका मनाया जाता है जन्मोत्सव। लेकिन वो शख्स जो आज इस धरती पे अपने पुराने शरीर को त्याग चुका है और आज कहीं और है, किसी और उद्देश्य के साथ उसने जन्म लिया हुआ है और अपने कार्य को कर रहा है, चाहे उसका उद्देश्य कोई भी हो, तो उसकी याद में हम मनाते हैं जयंती। यानी कि जयंती जो शब्द है हनुमान जयंती, ये हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं, जयंती इसलिए लगाते हैं क्योंकि आज साक्षात रूप में तो हनुमान जी हमारे सामने है नहीं, जो हम उनसे बात कर सकें, उनसे देख सकें या उनसे मिल सकें। हालांकि ये भाव का मैटर है, ये मैटर थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा गहन इसमें डीप जाना पड़ेगा, तब आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे हैं कि जयंती जो शब्द है क्यों लगाते हैं। भाई जैसे कि आप हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाते हैं तो आपका भाव ही तो है, मूर्ति तो पत्थर से बनी हुई है, लेकिन भाव के जरिए हम उसमें संबंध जोड़ लेते हैं उस मूर्ति से, क्योंकि हमें पता है, हमारी मेमोरी में है कि ये भगवान रहे हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से आज इन्हें पूजनीय माना जाता है।
तो मुख्य बात जो होती है वो होती है हमारे कर्म की, कि हम कैसे कर्म करते हैं, कि हमारा स्थूल शरीर जब ये नहीं रहेगा तो उसके बाद भी हजारों लाखों साल तक लोग हमें किस तरीके से याद करते हुए अपने जीवन में हमारे शरीर को उतारते हुए अपने जीवन को सुखमय, सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाएंगे। तो इसीलिए उनकी याद में मनाया जाता है। जो ये जयंती शब्द उपयोग में लेते हैं, अभी हनुमान जी के साथ लगता है, या आपने देखा होगा कई महापुरुषों के साथ लग जाता है, जैसे कि भीमराव अंबेडकर जयंती अभी हाल ही में गई थी, महात्मा गांधी जयंती। तो महात्मा गांधी तो आज नहीं है, यदि वो होते महात्मा गांधी तो मनाते जन्मोत्सव, समझ रहे हो आप, यानी कि महात्मा गांधी यदि इस वक्त प्रेजेंट होते तो उनका मनाते जन्मोत्सव। और आज वो नहीं है इन द सेंस उनका शरीर नहीं है, आत्मा कहीं और जन्म ले चुकी होगी, निश्चित रूप से अपने उद्देश्य के साथ वो काम कर रही होगी। तो जो पास्ट वाला उनका जो जन्म रहा है, जिसमें महात्मा गांधी जो एक गहरी छाप बनी है हमारे दिमाग पर उनकी, क्योंकि उनके कर्म जो थे वो केवल उसी की वजह से आज हम उन्हें याद करते हैं और अपने जीवन में अपने शरीर में उतारने की कोशिश करते हैं। और मुख्य उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए कि जो जितने भी महापुरुष रहे हैं या महान स्त्रियां रही हैं, उन सभी की आदतों को हम अपने जीवन में उतारें। और केवल इसी पर बहस करनी शुरू नहीं कर दें, या फिर किसी ने कुछ कह दिया तो आपने वो सुना तो आपको उस पर चिंतन मनन करना चाहिए कि क्या ये वाकई शब्द ऐसा है, क्या ये ऐसा हो सकता है। यदि हाँ तो ठीक है, तब आप उसको फॉरवर्ड कीजिए, यदि नहीं तो आप पहले चिंतन मनन कर लीजिए उसके बाद फॉरवर्ड कीजिए। यदि आप चिंतन मनन नहीं करते, फॉरवर्ड कर देते तो मिसकंसेप्शन फैल जाता है बहुत ही बुरी तरीके से, और उसके पीछे ना जाने क्या अनेकों तरह के विवाद और लड़ाइयाँ पैदा हो जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा ये जो कैलकुलेशन है कि हनुमान जयंती क्यों उपयोग में लाते हैं। जयंती यानी कि जय हो उस महावीर की, उस महान आत्मा की, जो अंतहीन है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो इसीलिए जयंती उपयोग में लाया जाता है। और जन्मोत्सव उनके लिए जो आज प्रेजेंट है, जो आज प्रेजेंट नहीं है हमारे सामने, उसके लिए जयंती का उपयोग किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो कैलकुलेशन है वर्ड की और जो ये मतलब है इसका, ये समझ में आया होगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सी योग करते रहिए, रही के लिए योग करते रहिए, अपना ध्यान बढ़ाइए। जय सत्य। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दिस बेल आइकन।